नमस्कार, माँ की रसोई से .com में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पनीर की वो रेसिपी जो अक्सर रेस्टोरेंट में हम लोग डिमांड करते हैं, पर घर पर हमारी रेसिपी रेस्टोरेंट जैसे नहीं बन पाती है। तो आज हम देखेंगे रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर लबाबदार कैसे बनाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए है 300 ग्राम पनीर। इसमें से 200 ग्राम पनीर के हमने क्यूब्स में काट लिया है और 100 ग्राम पनीर को ग्रेट कर लिया है। लगभग 100 ml ऑयल, एक कटी हुई प्याज और एक टमाटर बारीक कटा हुआ, मखनी ग्रेवी, थोड़ी सी कटी हुई हरी धनिया, स्लिट की हुई हरी मिर्चें, हाफ टी स्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, 1 teaspoon जीरा, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, लगभग स्वाद अनुसार नमक, लगभग 1 teaspoon से थोड़ा ज़्यादा है, 1 tablespoon लहसुन अदरक का पेस्ट और कसूरी मेथी जिसे हमने ड्राई रोस्ट करके पाउडर बना लिया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं पनीर लबाबदार। तेल गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो चुका है और हम इसमें जीरा डाल देते हैं। जीरा भुनने की जो खुशबू आने लगेगी तो हम इसमें बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे। प्याज को तेज आंच पे लगातार चलाते हुए ब्राउन कर लीजिए। टमाटर डालेंगे। टमाटर यहाँ मैंने बस एक ही बारीक काट के लिया है क्योंकि मखनी ग्रेवी में भी टमाटर रहता है, उसकी वजह से इसका स्वाद हल्की खटास लिए होता है। प्याज हमारी ब्राउन हो गई है तो हम टमाटर डाल देंगे, एक बारीक कटा हुआ, उसको भी भून लेंगे। साथ में हम सूखे सभी गरम मसाले, धनिया पाउडर भी डाल देते हैं ताकि साथ में ही भून जाए। थोड़ा सा हम इसको ढक्कन लगा देते हैं ताकि पक जाए अच्छे से। टमाटर गल गए हैं बिल्कुल, प्याज भी गल गई है, तो अब हम इसमें मक्खनी ग्रेवी डाल देते हैं।
ग्रेटेड पनीर भी डाल देंगे। अगर मखनी ग्रेवी तैयार हो तो इस डिश को बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लगभग 15-20 मिनट टाइम लगेगा। मखनी ग्रेवी हम पहले से ही तैयार करके रख सकते हैं, जिसका यूज़ और दूसरी रेसिपीज़ में कर सकते हैं, जैसे पनीर बटर मसाला, दाल मखनी वगैरह। अब हम इसमें डालेंगे क्रीम। इसके लिए पहले गैस बंद कर देंगे ताकि दूध फट ना जाए, क्रीम फट ना जाए। हमारी ग्रेवी, नमक और लाल मिर्च और कसूरी मेथी आंच धीमी कर देंगे और मिक्स करके कवर करके लगभग 5 मिनट पका देंगे। अब चाहें तो इसमें अपनी इच्छा अनुसार पानी मिला सकते हैं अगर आपको चाहिए तो, वरना ये ऐसे ही अच्छी लगती है। इसको ढक देते हैं हम 5 मिनट के लिए, जब तक कि सारे मसाले नमक मिर्च इसमें इन्फ्यूज़ हो जाए। चेक कर लेते हैं हमारा पनीर लबाबदार रेडी हो चुका है। फाइनली अब हम इसमें डाल देते हैं हरी धनिया और स्लिट की हुई हरी मिर्चें। अब ये सर्व करने के लिए रेडी है। हम सर्विंग बोल में निकाल देते हैं इसे। पनीर लबाबदार, इसे आप जीरा राइस, नान, गार्लिक नान आदि के साथ या फुल की पूड़ी आदि के साथ सर्व कर सकते हैं गर्मा गर्म।